Nahum भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 Nahum भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 हाय उस हत्यारी नगरी पर वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है अहेर छूट नहीं जाते हैं कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं सवार चढ़ाई करते तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकते हैं मारे हुओं की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर है मुर्दों की कुछ गिनती नहीं लोग मुर्दों से ठोकर खाखाकर चलते हैं यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा और मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे निनवे नाश हो गई कौन उसके कारण विलाप करे हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और उसके किला और शहर बनाकर काम महानद देता था कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे पूत और लूबी तेरे सहायक थे तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे एक सड़क के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए तू भी मतवाली होंगी तू शून्य हो जाएगी तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेंगी तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्ष के समान होंगे जिनमें पहले पके अंजीर लगे हो यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे देख तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गई तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़े आग के कौर हो गई है गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा वहां तू आग में भस्म होगी और तू तलवार से नाश हो जाएगी वह एलेक नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी यद्यपि कि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनती हो भी जाए तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए टिड्डी चट करके उड़ जाती है तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिनों में बाड़ों पर टिकते हैं परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए हे अश्शूर के राजा तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता तेरा घाव भर न सकेगा तेरा रोग असाध्य है जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर लगातार तेरी दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो